सो नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया था और अब हम मज़ीद आगे जा रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है। चढ़ाई ज़्यादा होने की वजह से हम जगह जगह आराम करते रहे और कुदरत के इन हसीन मनाजिर से अपनी आंखों को ठंडक देते रहे। थोड़ी थोड़ी देर आराम करने के बाद हम आगे चलते रहे और इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। अच्छा, तो जब आप टगीटा से जसबंडा की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको सही, मतलब जिसको कहते हैं रेल वाली हाइक करनी पड़ती है तकरीबन दो एक घंटे तक, क्योंकि आप टगीटा तक आते हैं पहले, उसके बाद फिर हाइक, उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्लेन सी जगह आ जाती है जहाँ पे आप रिलैक्स होके चले जाते हैं, उसके बाद फिर से आखिरी जो हाइक है वो है। तो हम अभी करंटली उसी पे और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह बस 15-20 मिनट का टाइम हमारा लगेगा मैक्सिमम, उसके बाद जस बढ़ना है इंशाल्लाह। और यहाँ पे भी हमने थोड़ा रिलैक्स किया। बस एक बात ज़रूरी बतानी थी मैंने आपको कि अगर आपने मज़ा लेना है ना तो कम से कम आप जस बढ़ आए तो 4 से 5 दिन के लिए आए, कि अगर आपने सिर्फ आना ही है तो फिर आप सिर्फ जस्ट आएंगे और जाएंगे, कोई जगह आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, कोई मज़ा आपको नहीं आएगा। रास्ते का जो मज़ा है वो अपना ही है, मतलब आप इस तरह ना करें कि आप घोड़े पे चढ़ के आ जाए तो आप रास्ते को एंजॉय नहीं कर सकते। रास्ते में रुके, फोटो शूट करें, फोटोग्राफी करें, वीडियोज बनाएं, लैंडस्केप्स कैप्चर करें, तो वो फ़ायदा हो जाता है। की बनाई हुई इस खूबसूरती को देखते हुए दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ है सुभान अल्लाह। यूं चलते चलते हम उस मकाम पर पहुंच गए जहां से हमें जहाज़ बांडा दिखने लगा और हम अपनी मंजिल को करीब ही महसूस करने लग गए। सो ये हम जहाज़ बांडा के बिल्कुल करीब ही आ गए हैं और तकरीबन 10 मिनट में या 5 मिनट में हम वहां होंगे। सामने जहाज़ बांडा नज़र आ रहा है, हमारे दोस्त भी है इंतज़ार कर रहे ग्रुप के दूसरे मेंबर्स, सो हम जल्दी उनसे मिल लेंगे।
करते करते हम पहुंच गए जास बांडा, और बहुत ही खूबसूरत मंजर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। ये है वो जगह जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, और आप भी हमारे साथ इस जगह की खूबसूरती को एंजॉय करें। फाइनली हम जास बांडा में हैं और मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया हूं जो मेरे ग्रुप मेट्स हैं, और सारे सीन को एंजॉय कर रहे हैं, मज़े का समा है। बांडा में हमने फैसला कर लिया है कि हमने इस साइड पे नहीं रहना, जो साइड है ये वाला, और हमने जाना है उस तरफ बिल्कुल नदी के उस साइड पे, और वहाँ पे हम अपना कैंपिंग करेंगे। उसके बाद हम कुछ ना कुछ खाने का बंदोबस्त वगैरह करते हैं। फिर दरिया के दूसरी पार जाने के लिए हमने अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर लिया। आखिरकार हम उस जगह पहुंच गए जहां हमने कैंपिंग करनी थी, और कैंप लगाने के बाद हमने थोड़ी देर आराम को तरजीह दी। अब मैं और उमर जा रहे हैं लकड़ियां इकट्ठे करने, क्योंकि हमने शाम के लिए, रात के लिए कुछ पकाना भी है, इस वजह से हमें लकड़ियाँ चाहिए।
यहाँ पे आप अगर चिकन लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है सही। तो अगर आप यहाँ पे आके चिकन अपनी लेना चाहते हैं तो बाजार से। बेहतर यही है कि आप अपने साथ कुकिंग के मतलब जो कुकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स है या इक्विपमेंट्स है वो सारे अपने साथ लेके आए तो आप कुकिंग कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको लकड़ियाँ मिल जाती है ईजीली। सो नाज़रीन, जब तक हम लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और बाकी तैयारी करते हैं तब तक आप जहाज़ बांडा के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते रहें।